हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष कुमार सत्यम प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया है स्टार संयोजन। स्टार संयोजन में फेज तथा लाइन वोल्टेज एवं धारा में संबंध। पिछले क्लास में हम लोगों ने फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बारे में पढ़े, अभी हम क्या देखेंगे स्टार संयोजन, जो हम थ्री फेज अल्टरनेटर से करंट को उत्पन्न किए और उसको जो कनेक्शन करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले देखते हैं किस संयोजन किस क्या देखेंगे स्टार संयोजन। स्टार संयोजन में क्या होता है कि जब हम एक पॉइंट में सभी को क्या करते हैं एकत्रित करके स्टार बनाते हैं। देखिए यहाँ पे तीन वेंडिंग है, इस वेंडिंग का नाम दे देते हैं ए, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी और ये सीधा हो गया बी डैश, ये सी और ये हो गया सी डैश। अब इस तीनों को तीन फेज निकल रहा है, इसलिए इसको क्या कर देंगे आर वाई और डी, यानी रेड येलो और ब्लू, तीन फेज निकला आर वाई डी। और तीनों फेज के सेंटर से जो हमने निकाले उसको बना दिए एम, जो कि ये हमारा न्यूट्रल कहलाएगा। अब तीनों में जो करंट प्रवाहित होगा, तीनों में करंट जो प्रवाहित होगा क्या होगा, ये आई ए, ये आई सी और ये आई डी। देखिए यहां पे स्टार कनेक्शन बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, तीनों क्वाइल का लास्ट सिरे को एक साथ एक बिंदु पर जोड़ दिया गया। क्या किए, एक तीनों क्वाइल के एक साथ एक बिंदु पर जोड़ दिया गया और वहीं से जो वायर निकाला गया उसी को क्या कहते हैं न्यूट्रल वायर। अब यहाँ पे हम वेक्टर विधि से समझेंगे कि लाइन फेज धारा और लाइन धारा में क्या संबंध होता है। इसमें क्या होता है, कि जब हम ये तीनों जो है कितना डिग्री के बना लगा रहता है 120 डिग्री, ये तीनों कितना डिग्री पे लगा आता है 120 डिग्री पे। अब इस ये 120 डिग्री, ये कौन भी कितना आता है 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे भी जो करंट जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसको हम किससे दर्शा देते हैं, ये ए, ये हो गया ई बी और ये हो गया ई सी, ये तीनों को हम ईएमएफ जो है ई ए ई बी और ई सी से दर्शा दिए। अब यहां पे लिखते हैं प्रत्येक फेज में प्रत्येक फेज में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को क्रमशः
रखा ई सी है, अ जो एक दूसरे को से 120 डिग्री के अंतर में है। कितना डिग्री में तीनों है? 120 डिग्री के अंतर में है। अब ई ए तथा ई बी के बीच, ई ए तथा ई बी के बीच, ई ए तथा ई बी के बीच का वेक्टर लाइन ई ए तथा ई बी के बीच का वेक्टर लाइन से क्या प्राप्त करेंगे? ई बी को इसके विपरीत लाइन के बराबर बढ़ाए, यानी ई बी को इसके वेक्टर लाइन के विपरीत जो है, हाँ, इसको बढ़ाए। कितना बढ़ाए? जितना ये हमारा लाइन था इसके विपरीत हम इसको बढ़ा लिए। अब समांतर चतुर्भुज, अब देखिए यहां पे हमारा एक जो है क्या हो जा रहा है, समांतर चतुर्भुज बन जा रहा है। अब ये हम ये क्या दिए, कर्ण दे दिए। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट को ई ए बी दर्शा दिए, और इस पॉइंट को क्या दर्शा दिए, ओ ये तो हमारा बी डैश हो जाएगा ना, ये बी डैश हो गया, यहाँ पे बी था इसके विपरीत बढ़ा दिए, ये क्या हुआ बी डैश हो गया, और ये पॉइंट हो गया ई ए बी। आप देखिए यहां पे हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया, इसको हम मान लेते हैं क्या ओ, इसको मान लिए क्या ओ पॉइंट, ये पॉइंट हो गया ओ, ये हो गया ई बी डैश, ये हो गया ई ए बी, और ये क्या है हमारा ई ए। अब समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कौन क्या क्या हो गया, ओ ई बी डैश ई ए बी तथा ई ए, यानी ओ ई बी डैश ई ए बी और ए, ई ए क्या हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। और समांतर चतुर्भुज के नियम अनुसार समांतर चतुर्भुज का नियम क्या के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण क्या हमारा ई ए बी का स्क्वायर बराबर
क्या होता है, दोनों भुजा का स्क्वायर, ये भुजा क्या है ए का स्क्वायर प्लस ई बी डैश का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए का टू ई इंटू ई बी इंटू कॉस 60 डिग्री, ये हमारा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ई ए बी बराबर ई स्क्वायर ए प्लस ई बी डैश स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 यानी हाफ, तो इसके जगह पे हम 1/2 रख देते हैं, 2 इंटू ई ए इंटू ई बी इंटू 1/2। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे देखिए क्या बचा हमारा, ई स्क्वायर ए प्लस ई बी डैश स्क्वायर प्लस ई ए इंटू ई बी। अब यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा क्या बचा है, ई ए स्क्वायर ई बी स्क्वायर और ई ए बी। अब माना माना क्या माने कि ई ए बराबर ई बी बराबर ई, यानी कि ई ए और ई बी के बराबर किसको रख लिए मान हम, ई ए को, ई इसके बराबर क्या रखे ई को। अब देखिए ई ए और ई बी बराबर क्या लिखे ई ई। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके जगह पे ई ए के जगह पे हम ई को रखेंगे, ई ए के जगह पे क्या रखेंगे ई को रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे रख ले रहे हैं इसके जगह पे, यहाँ क्या है हमारा ई ए बी का स्क्वायर बराबर, इसके स्क्वायर बराबर क्या हो गया ई ए के जगह पे क्या रखना हमको ई रखना है सिर्फ, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ई, यही होगा। अब तीनों का क्या हो गया हमारा, तीनों स्क्वायर हो गया। अब यहां पे देखिए कि इस तीनों तीन ई ए था, इसको कह देते ई ए बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे तीन को ई स्क्वायर हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 ई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे इधर हमारा स्क्वायर है, इसके स्क्वायर को बराबर के ये साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ई ए बी बराबर रूट अंडर 3 ई स्क्वायर, यही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ई का जो स्क्वायर है, स्क्वायर तो हट जाएगा चूंकि रूट है इसके अंदर, इसके लिए क्या बराबर हो जाएगा ई ए बी बराबर √3 × e, यही हो जाएगा। अभी हमने क्या देखे, क्या रखे थे कि ये इसके विपरीत ई ई बी को हम इसके विपरीत दिशा में बढ़ाए और जो है हमारा क्या इसको क्या माने हम लाए वोल्टेज। अब यहाँ से समांतर चतुर्भुज बनाए, यहाँ देखिए ई ए के बराबर √3 × e निकला। अब ये हमारा क्या है, ये क्या हमारा ई एल यानी लाइन वोल्टेज
बराबर रूट थ्री इंटू फेज वोल्टेज, यानी कि लाइन वोल्टेज जो है रूट थ्री गुना जो है कम होता है किसके, फेज वोल्टेज के। इसको ई पी कर सकते हैं, ये हमारा क्या निकला, लाइन वोल्टेज जो है रूट थ्री गुना जो है फेज वोल्टेज से कम होता है। इस प्रकार स्टार संयोजन में एक नंबर में क्या होता है, लाइन करंट बराबर फेज करंट, लाइन करंट बराबर फेज करंट, यानी इसमें स्टार संयोजन में लाइन करंट बराबर क्या होता है, फेज करंट, यानी स्टार संयोजन में करंट जो है रूट थ्री गुना या रूट थ्री गुना कम या अधिक नहीं होता है। इसमें स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि रूट थ्री गुना या कम अधिक लाइन करंट नहीं होता है। इसमें क्या बदलता है, वोल्टेज, और दूसरा क्या है, लाइन वोल्टेज बराबर रूट थ्री इंटू फेज वोल्टेज। अभी हमने बताए थे कि रूट थ्री गुना जो है क्या होता है, फेज वोल्टेज हमारा जो है अधिक हो जाता है। यहाँ पे हमने निकाल के दिखा दिए कैसे हमारा जो है रूट थ्री गुना फेज वोल्टेज जो है अधिक होता है, और इससे रूट थ्री गुना फेज वोल्टेज अधिक होता है किसके, किससे, लाइन वोल्टेज से, या तो लाइन वोल्टेज से रूट थ्री गुना कम होता है फेज वोल्टेज। समझ में आ गया। यहाँ से हमने क्या देखे कि लाइन वोल्ट करंट और फेज करंट क्या होता है, बराबर होता है किस कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में। लेकिन स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज रूट थ्री गुना जो है अधिक हो जाता है किससे, फेज वोल्टेज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज रूट थ्री इंटू फेज, ये हमारा। तो आज हमने क्या देखे, स्टार संयोजन को देखे, और स्टार संयोजन में रूट थ्री गुना जो है फेज वोल्टेज अधिक हो जाता है, इसके संबंध को देखे। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग डेल्टा संयोजन, उसमें भी लाइन और फेज वोल्टेज में संबंध को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।